चलिए, बैक्टीरिया का सबसे पहले मैंने थ्री लेयर्स पढ़ा, तो देयर आर थ्री लेयर्स, तीन लेयर होता है, बट एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, ओके, थ्री लेयर्स क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल ग्लाइकोकैलेज है। तो ये तीनों अलग अलग मेम्ब्रेन लेकिन एक साथ मिलके बैक्टीरिया को बचाने का काम करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बैक्टीरिया। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज का बना हुआ है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जैसा मैंने पहले बताया था, ये लूज भी हो सकते हैं और टफ स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। जब ये लूज रहेंगे तो इसको कहेंगे लूज स्लाइम लेयर, लूज स्लाइम लेयर, और लूज स्लाइम लेयर सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेक्राइड के बने हुए होते हैं। लूज स्लाइम लेयर क्या चीज के बने हुए रहते हैं? पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब बहुत और सेक्राइड मतलब ग्लूकोज, एक से ज्यादा चेन वाले ग्लूकोज के चेन को, चेन से ये बने हुए रहते हैं, ग्लूकोज स्लाइम लेयर। दूसरा क्या है? लूज स्लाइम लेयर, दूसरा है कैप्सूल। कैप्सूल किस चीज से बने हुए हैं? पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड। तो स्टूडेंट, ग्लाइकोकैलिक्स दो रूप में पाए जा सकते हैं, एक लूज और एक जब टाइट स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसको कैप्सूल कहेंगे। क्यों ये ऐसा करते हैं? जब फेवरेबल कंडीशन होगा बैक्टीरिया के लिए तो वो लूज स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो कैप्सूल बना लेगा। कैप्सूल बनाने से अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा प्रोटेक्टिव हो जाएगा, वो बैक्टीरिया फिर नहीं मरेगा अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज से बने हुए हैं? सेल वॉल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट मिलेगा पेप्टाइड और दूसरा पार्ट मिलेगा ग्लाइकेन। तो पेप्टाइड कंटेन्स एमिनो एसिड और ग्लाइकेन कंटेन्स एमिनो सुगर। पेप्टाइड में क्या मिलेगा? एमिनो एसिड मिलेगा और ग्लाइकेन में क्या मिलेगा? एमिनो सुगर मिलेगा। एमिनो सुगर का अगर फर्दर हम जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसका दो एग्जांपल है NAG और NAM। NAG का फुल फॉर्म N-acetyl ग्लूकासामाइन और NAM का फुल फॉर्म N-acetyl ग्लूटामिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये सेल वॉल का टोटल कंपोजिशन है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड और ग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एमिनो सुगर। एमिनो सुगर भी क्या चीज से बना हुआ है? तो NAG और NAM। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, हमको अगर खोजना हो कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो स्टेप क्या है, स्टेप इज एड और यू कैन राइट स्टेन द बैक्टीरिया विथ क्रिस्टल वायलेट टू गेट पर्पल और ब्लू कलर। पहले क्या करेंगे, बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे किससे, क्रिस्टल वायलेट से, टू गेट पर्पल और ब्लू कलर। सेकेंड में क्या करेंगे, पुट 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। हम लोग फिर क्या करेंगे, 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इज ए मॉडर्न, आयोडीन सॉल्यूशन इज ए मॉडर्न। मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न जो पहले कलर हो चुका है उसको फिक्स करने का काम करेंगे। नाउ द थर्ड स्टेप इज पुट सम ड्रॉप ऑफ एल्कोहल और एसीटोन, उसके बाद कुछ ड्रॉप ऑफ हम लोग एल्कोहल और एसीटोन पुट करेंगे। तो ये थ्री स्टेप है, स्टेन द बैक्टीरिया विथ क्रिस्टल वायलेट टू गेट पर्पल और ब्लू कलर, पुट 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन इज ए मॉडर्न, पुट सम ड्रॉप ऑफ एल्कोहल और एसीटोन। कंक्लूजन क्या निकलेगा या रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट। जिस बैक्टीरिया में पर्पल या ब्लू कलर देखा जाएगा उस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। जिस बैक्टीरिया में बैक्टीरिया इन बीच ब्लू या पर्पल कलर इज सीन, सच बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सच बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन विच नो कलर इज सीन इज नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज मोर लिपिड लेयर देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। चलिए इसको हम समझते हैं, अगर आप लोगों ने लिख लिया है रिजल्ट और कंक्लूजन तो समझते हैं कि कैसे किसी में पर्पल कलर आ गया और कैसे किसी में पर्पल कलर नहीं आया। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके सेल वाल पे, यहां पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसी बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा लिपिड लेयर अगर होगा
लिपिड लेयर इसमें कितना है, मान लो 70% है लिपिड लेयर, और किसी बैक्टीरिया में 11% है लिपिड लेयर। दो बैक्टीरिया लिए हैं, एक बैक्टीरिया में 70% लिपिड है, एक बैक्टीरिया में 11% लिपिड लेयर है। पहला स्टेप क्या किए थे, पुट सम क्रिस्टल वायलेट, तो क्रिस्टल वायलेट इसमें भी डाले, क्रिस्टल वायलेट इसमें भी डाले, तो इसका भी लिपिड लेयर है, तो कलर आते आते यहां पे क्या होगा, सारा कलर कौन सोख लेगा, एब्जॉर्ब कौन कर लेगा सारा कलर, ये लिपिड, लिपिड के पास ही सारा कलर रह गया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, कलर लिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन पर भी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे लिपिड लेयर कम है, इसलिए सारा कलर लिपिड पर भी आता है। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या किए, आयोडीन डाले, आयोडीन डालने से क्या होता है, जो कलर डाले हैं उसको फिक्स कर देगा। चलिए फिक्स भी कर देते हैं, इसको इसमें डाले, आयोडीन भी यहाँ डाले, तो कलर जो फिक्स हो गया वो किसमें हो गया, यहाँ पे लिपिड में हो गया, और यहाँ पे लिपिड में भी हुआ और सिल्वाल में भी हुआ। तीसरा स्टेप में क्या किए, एसीटोन डाल दिए या एल्कोहल डाल दिए, तो एल्कोहल क्या करेगा, ये लिपिड लेयर को गला देगा, लिपिड को क्या करेगा, गला दिया, तो लिपिड रहेगा, लिपिड नहीं रहेगा तो कलर भी नहीं रहेगा, यहाँ पे लिपिड चला जाएगा तो कलर तो सेल वॉल पे रह गया, तो जिस पे कलर रह गया वैसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जिस पे कलर नहीं रहा ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का खोज किसने किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने कहा किया था, इसीलिए इसका इसके स्टेन का नाम भी क्या पड़ गया, ग्राम स्टेन या ग्राम स्टेन, क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे क्या पड़ गया, ग्राम स्टेन। तो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।